शिक्षक भर्ती काउंसलिंग फॉरम की जो डेट है वो निकल चुकी है, उसके बाद कल और एक और जो नोटिस है वो जारी किया गया है, जिसमें फॉरम संशोधन का आपको एक अंतिम अवसर दिया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूं अपने फॉरम में एक बार फिर से आप कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन से चेक करनी है, साथ ही मैं बात करने वाला हूं अब आगे की क्या जो लेवल वन की प्रोसेस रहने वाली है वो किस प्रकार से रहेगी, मेरिट कब तक जारी हो पाएगी और आगे के क्या क्या स्टेप्स आपको देखने को मिलेगी, इस बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जो शिक्षक भर्ती काउंसलिंग फॉरम है जो बीकानेर का, वहां से आपने अप्लाई कर दिया होगा, उस फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक्स रही है, लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि यहां पर किन किन मिस्टेक्स में एडिटिंग हो पाएगी, तो यहां पर जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो भी बढ़ाई गई है, साथ ही आपको जो आवेदन में संशोधन का वो भी मौका दिया गया है। तो यहां पर जो लास्ट डेट है साथियों, यहां पर अगर आप नया आवेदन भरना चाहते हो तो भी 16 फरवरी 2022 आपकी डेट बढ़ा दी गई है। 16 फरवरी 2022 तक आप जो आवेदन है अगर आपने नहीं किया किसी कारण से, कुछ अभी भी रह चुका है, तो आप नया आवेदन भी 16 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं और वहीं 16 फरवरी 2022 तक आप फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं। फॉर्म में संशोधन साथियों आपको कैसे करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, लेकिन यहां पर जो बात करते हैं, सबसे पहले आपका कौन सा संशोधन नहीं होगा। तो आपका जो आपने जिस पद पर आवेदन किया है, मान लो आपने लेवल 1 के पद पर आवेदन किया टीएसपी, तो वो जो आवेदित पद है उस पर आपका कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा, मतलब जो पद है वो वही रहने वाला है, उसमें आवेदन क्रमांक और आशार्थी का नाम है, जो आपका नाम है जो मैं आपने भरा है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी डिटेल्स हैं सब में आप संशोधन कर पाएंगे, ये तीन चीजें, जो मतलब आपका जो पोस्ट है वो चेंज नहीं होगी और आपका जो आपका नाम है वो चेंज नहीं हो पाएगा, बाकी सब में आप संशोधन एवं सुधार हेतु 100 रुपये यहाँ पर जो शुल्क रखा है वो आपको सबमिट करा देना है और आपको ऑनलाइन प्रोसेसिंग उसको फॉलो करनी है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन के लिए एडिटिंग खोलते हैं और बाई मिस्टेक कुछ सारी चीजें हो जाती है तो उन सभी के लिए जिम्मेदार आप ही होंगे, तो आपको एक बार फिर से बहुत सावधानी से ये जो एडिट वाले प्रोसेस है इसको फॉलोअप करना है, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक्स रही तो फिर वापस बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और बाद में आपको देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया, उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन सुधार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन सुधार है तो विभाग स्तर पर किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा, मतलब भविष्य में ऑफलाइन भी ऐसी कोई प्रोसेस नहीं की जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन में दिनांक 10 फरवरी से 16 फरवरी 2022 तक संशोधन एवं सुधार किया जा सकता है, इसके बाद कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑनलाइन संशोधन की अगर मैं प्रोसेस की बात करूं सॉरी दोस्तों, तो यहां पर आपको जो अपने राज एसएसओ है जो एसएसओ आईडी है उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको यहां पर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको यहां पर दिख जाएगा जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे यहां पर जो अप्लाई कर रखा है वो यहां पर शो अप हो रहा है, तो आपने फॉर्म का डिटेल्स, तो यहां पर आपको जो ऊपर की सेक्शन में जो लाइनें दिखती है उसमें आपको यहां पर कोई एप्लीकेशन डिटेल नहीं दिखेगी, आपको यहां पर जो एडिट एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर चले जाना है। एडिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहां पर आपका जो फॉर्म भरा हुआ वो दिख जाएगा, साथ ही एडिट की जो लास्ट डेट है 16 फरवरी 2022 और आपको एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। जो जो डाटा आप चेंज करना चाहते हैं पहले से प्रॉपर देख के चेंज कर लीजिएगा, ऐसा ना हो आप कुछ और करना चाहें और कुछ और हो जाए, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 100 रुपये आपकी फीस लग रही है और ऑनलाइन संशोधन का मौका मिल रहा है, तो इसमें आप संशोधन कर दीजिए। उसके बाद हम साथियों बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 1 के मेरिट को लेकर। तो साथियों आज की डेट में एक और जो प्रेस नोट है वो जारी किया गया, प्रेस नोट मतलब एक विभागीय प्रोसेस आप समझ लीजिए, इसमें यहां पर जो सभी डीओ है उनकी जो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करवाई जा रही है, तो मतलब शिक्षा विभाग जो बीकानेर है प्राथमिक शिक्षा विभाग में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जैसे दल गठन जो बनाए जा रहे हैं, 5-5 दस्तावेज सत्यापन दल बनाए जा रहे हैं, उसके गठन की प्रक्रिया है वो पूरी शुरू हो चुकी है, डीओ को लेटर जा चुके हैं, उसके बाद कब का कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए वो वाले सारे जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए, और उसके बाद कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह सारी प्रोसेस चल रही है। मतलब आप मान सकते हैं साथियों 16 फरवरी आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, या फिर आप 16 फरवरी लास्ट डेट है, उसके बाद बहुत जल्द आपके जो लेवल 1 की मेरिट है वो सब सामने आपके घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि आपको अगर कुछ हो जाता है, मान लो जो राजनीतिक कई बार दबाव रहते हैं तो कई चीजें हो सकती है, बाकी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको लगभग 20 या 25 तारीख तक आपको जो मेरिट है वो देखने को मिल सकती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल वगैरह सब कुछ जारी हो जाएगा, बाकी कुछ अड़चन नहीं रही तो बाकी विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी है लेवल 1 मेरिट को लेकर। डॉक्यूमेंट को लेकर अगर आपका कुछ कंफ्यूजन है क्या क्या डॉक्यूमेंट में मारा जाएगा, मैंने वीडियो बना रखा है रेड कमेंट वाला, वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं मैंने इस वीडियो में लगभग आपके जो कंफ्यूजन्स है वो क्लियर किए होंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको हर जो भर्ती संबंधी जितने भी जो अपडेट है वो सारी आपको यहां पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके विचार हो आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। तो मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।